नोएडा के बरोला शिव मंदिर सेक्टर 39 नोएडा पर भवन निर्माण मजदूर यूनियन सीटू के सहयोग से श्रम विभाग ने कैंप का आयोजन किया। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य भवन निर्माण मजदूरों के पंजीकरण व योजनाओं का लाभ देना है। इस कैंप में दर्जनों मजदूरों ने अपना पंजीकरण कराया। बता दें, इस कैंप में श्रमिक नेता सीटू जिलाध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा व श्रम विभाग के अधिकारी अनुज वर्मा ने भवन निर्माण मजदूरों के लिए प्रदेश सरकार श्रम विभाग के BOC बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी श्रमिकों को दी और उन्हें अपना पंजीकरण व नवीनीकरण कराते रहने के लिए प्रेरित किया, जिससे उन्हें योजनाओं का लाभ मिलता रहे। पूरे राज्य में भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में काम करने वाले श्रमिक मजदूर जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं एवं बहुत गरीब हैं, राज्य सरकार इन मजदूरों की स्थिति एवं कार्य दशा में सुधार करने के साथ साथ इन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए उत्तर प्रदेश श्रम विभाग पंजीकरण ऑनलाइन कराती है। पंजीकरण करने के बाद श्रमिक उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिक एवं मजदूरों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ ले पाएंगे और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो पाएगी। इसी उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा ई श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसमें सरकार 2,00,000 रुपए तक का बीमा कवर कर रही है, साथ ही 500 रुपए प्रति महीना भी दे रही है। सरकार की ऐसी कई योजनाओं की जानकारी देने के लिए ये कैंप लगाए जा रहे हैं और श्रमिकों का पंजीकरण किया जा रहा है। प्रदेश सरकार श्रम विभाग की इस अनूठी पहल को श्रमिकों द्वारा काफी सराहा भी जा रहा है। बता दें, केंद्र के अलावा प्रदेश सरकार भी श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है और भविष्य में ऐसी कई और योजनाएं सरकार के द्वारा देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूबी इंडिया न्यूज। जन्म होता है तो पुत्री पर यदि जन्म होता है तो उस पर 21,000 रुपया और यदि बेटे का जन्म होता है तो 15,000। इस तरीके से आपको पैसा आपका, यदि बेटा पढ़ने वाला है या बेटा या बेटी पढ़ने वाले हैं तो उसके यहाँ हमारे यहाँ एक योजना है 17 विकास शिक्षा सहायता योजना, उसमें क्लास के हिसाब से बच्चे को छात्रवृत्ति मिलती है, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। आपका बेटा या बेटी जो है वो उन्होंने 9वीं पास करके 10वीं में आए हैं या 11वीं 12वीं पास करके 11वीं पास करके 12वीं में आए, ऐसे बच्चों के लिए सरकार साइकिल दे रही है, सरकार साइकिल दे रही है। यदि किसी का जो है जिसने हमारे यहाँ पंजीकरण कराया हुआ है उसकी बेटी की शादी होने वाली है, उस बेटी की शादी के लिए सरकार जो है पैसा दिया एकमुश्त धनराशि देती है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये आप हमारे यहाँ पंजीकरण कराते हैं तो पंजीकरण कराते ही आपका ऑटोमेटिकली बीमा हो जाता है। जैसे आप लोगों के यहाँ बीमा एजेंट आता है ना, आपसे बताता है कि आप ये पॉलिसी ले लो, ये पॉलिसी ले लो, उसके लिए तो आपको हर साल वो देना पड़ेगा, प्रीमियम देना पड़ता है। यहाँ पर इस पंजीकरण के कराते ही आपको किसी तरीके का कोई प्रीमियम नहीं देना, जैसे ही आप पंजीकरण कराते हैं आपको ऑटोमेटिकली बीमा हो जाता है। उस बीमे में यह है कि यदि इत्तेफाक से किसी की पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के भी दो तरीके हैं, या तो साधारण है कि व्यक्ति गया घर में रात में सोया हार्ट अटैक आया और उसकी मृत्यु, इस स्थिति में उसको 2,15,000-25,000 रुपया और मान लिया वो व्यक्ति पंजीकृत है हमारे यहाँ और वो काम पर जा रहा है और उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो जाए उस स्थिति में उसको 5,25,000 रुपया ये सरकार उसको प्रोवाइड करती है। ये जितनी भी योजनाएँ हैं ये योजना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए आपको कहीं कोई धनराशि नहीं मिलेगी, सिर्फ आप लोगों का इतना काम करना है कि आप लोगों को अपना पंजीकरण कराना है, पंजीकरण कराना है। पंजीकरण कराने के उपरांत आप जितनी भी योजनाएं और भी कई सारी योजनाएं हैं, जिसमें जैसे पहले सौर सहायता योजना है, उसमें सरकार सौर ऊर्जा प्रदान करती थी, अब वर्तमान योजना चलाई थी आवास योजना, जिसमें भी आपका अपना निजी आवास है, गरीब व्यक्ति है उसका अपना निजी आवास है, उसको अपने आवास की मरम्मत करानी है के लिए उस पैसे दिए जाते थे, लेकिन एक दो योजनाएं बंद कर दी, लेकिन बाकी की योजनाएं अभी भी खुली हैं। इन योजनाओं के लिए आपको कोई